बात करो आप, भावना की अम्मा। हाँ नहीं नहीं, मेरे को बात करने का कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी बात करने का नहीं। नहीं साहब, ये इंजेक्शन जो पकड़े गए 160 इंजेक्शन नशे के मंगाए गए और हॉस्पिटल में से 1200 इंजेक्शन खाए भाई। आप पहले करते बोले तो फिर ये सब करे, सो आप भी है ना उसमें। अरे भगवान साहब, जो बोल रहे हैं तो चोर है, आप जा बोलो, चोरी करे आप जो बोल रहे हैं। अच्छा वाह, कैमरे में आते हैं। भाई जा रहा हूँ भाई, मैं कैमरे में नहीं आ रहा था। मैं वो भी एक चीड़ी थी, मुझे कैमरे में आने का खुशी कुछ भी नहीं है। वो भी एक चीड़ी साहब, 1200 इंजेक्शनों का मसला क्या है? नशे के 1200 इंजेक्शन आ गए और हॉस्पिटल से इंजेक्शन आ गए। ये बच्ची वो प्रोक करते, इसको नौकरी से निकाल दिया। बोले तो नौकरी से निकाल दिए थे। बोलो आपका, बोलो बोलो, ये सब सब चीज़ों के बारे में बोले तो नौकरी से निकाल दिए ना। बोले क्या हुआ? बोलिए बोलिए। फोर्टविन फरालगोल नाम ये नारकोटिक ड्रग है जो नशे में इस्तेमाल की जाती है। 1200 से 1400 के दरमियान ये ड्रग जो है हॉस्पिटल में मंगाई गई थी और ये ड्रग हॉस्पिटल से गायब है। फराज अमीन नामी यहाँ की एक एम्प्लॉई जब मैनेजमेंट को ये कंप्लेंट करी कि ये ड्रग हॉस्पिटल से गायब है और नशे में इस्तेमाल होती है, तो उसे फौरी तौर पर टर्मिनेट कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि वो कल से हॉस्पिटल को ना आए। तो मैं दुरेशवार हॉस्पिटल हेल्थ केयर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं जब आके यहाँ मैनेजमेंट से जब ये सब पूछ रहा था तो मैनेजमेंट के पूरे लोग यहाँ से भाग जा रहे हैं और डॉक्टर हबीब गडाला जो जो है यहाँ के बोर्ड मेंबर है, उनसे भी मैंने टेलीफोन पे बात की। वो कह रहे हैं कि मैंने उस एम्प्लॉई को निकाल दिया क्योंकि उसने मुझसे बदतमीजी की है। जब मैं इनसे पूछा कि आपके क्या हुआ होता, जब वो आए थे तो इन्होंने उनसे कंप्लेंट किया था पहले भी, तो उन्होंने इनसे बदसलूकी की। तो मैं चाहता हूं कि मीर चौक पुलिस स्टेशन और DCP साउथ जोन सोमोटो में फौरी ड्रग्स का और ये फराज अमीन जो औरत है जो यहाँ की एम्प्लॉई है, इनसे जो बदसलूकी करे हैं निर्भय एक्ट में एक मुकदमा दर्ज करते हुए हबीब गडाला, वाजिद और यहाँ के फाइनेंस मैनेजर को, ये सबको जो है इन पर केस रजिस्टर किया जाना चाहिए। तो वो लोग ये हमारे जो फार्मेसी के मैनेजर हैं उन्होंने ऑर्डर देके मंगाए थे 1200-1300 तक, तो मैं उसी कंप्लेन करी तो मेरे को टर्मिनेट कर दिया मैनेजमेंट वाले। कभी इंजेक्शन नहीं है यहाँ पे हॉस्पिटल में? इलीगल मंगाए, इलीगल मंगाए थे इंजेक्शन जो मंगाए थे इलीगल तरीके से, वो किसी और को सप्लाई हो गई या दवाखाने में मौजूद है? तो हॉस्पिटल की रिसिप्ट के ऊपर वो मंगाए थे। आपका नाम? फराज अमीन।